धनुमाता ध्यान पवन पुत्र हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वतपत्यां देहि तुमे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दो संत परम पिता परमात्मा के चरणों में सभी भक्त त्रियास कर रहे हैं मालिक फिर मेरे बादशाह राम सिंह सवरिया ने आए जा रुड़ पे चढ़े
भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की परीक्षित महाराज की संत भगवान की जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो सभी जनता जनादों से निवेदन है बल्कि गुजारिश है भगवान की पावन कथा अपने समय से प्रारंभ हो चुकी है अत शीघ्र ही भगवान के पांडाल की तरफ पधारे अपने गृह कारण से अवरुद्ध होकर के कथा को चलते चलते आपके वेद पावन धाम मीरपुर में पंचम दिन की तरफ दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है कल बताया था मानव के ऊपर कितना भी संकट पड़ जाए पर अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए हरिचंद्र ने अपना राज्य दे दिया मैं ये नहीं कह रहे हैं अपनी धन दौलत दे दो खेती टपरिया सब दान में दे दो और बात यह है मेरे भक्त श्रोताओं कुछ मानव होते हैं कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा थोड़ी नोटों की वजह एक दूसरों की हत्या कर देते हैं आज के दौर में रब ने पैसा ही हर चीज लोगों ने माना है पहले इंसान की वैल्यू हुआ करती थी अब वैल्यू जो है केवल मानव ने पैसा सब कुछ मान लिया
पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। पैसे से आप पुस्तक खरीद सकते हो पर इसमें लिखा हुआ ज्ञान खरीद नहीं सकते हो। पैसे से आप स्त्रियों को खरीद सकते हो, याद रखना, पर लेकिन पतिव्रता स्त्री को खरीद नहीं सकते हो। पैसे से आप गन खरीद सकते हो, बंदूक अंदर की हिम्मत खरीद नहीं सकते हो। पैसे से बहुत सुंदर बिस्तर खरीद सकते हो, पर सुख चैन की नींद को तुम खरीद नहीं सकते। पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है। आज के दौर में हर चीज, हर मानव, और हर मानव की नहीं कह रहा हूं, कुछ मानव जो इस बात को मानते हैं वो पैसा आज भी जो मानव है, आज भी पैसे की कोई कदर नहीं करते हैं। तो कुछ मानव जो होते हैं पैसों को बहुत आदर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं पैसों के आगे पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, ये वे दो पल की जिंदगी है, एक पल में आना होता, एक पल में जाना होता है। सब मोह माया यही रह जाएगी। कितना भी कमा लो, कितना भी, कुछ साथ नहीं जाएगा।